तो आज का टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उसको छोटी सी जगह में पैक हो, तो ऐसे तो पैक नहीं हो सकता। अगर बिखरा रहेगा तो कैसे एक छोटी जगह में रहेगा, तो उसको स्पेसिफिक फॉर्म में कॉइलिंग करनी पड़ती है ताकि वो एडजस्ट भी हो जाए और उसके बॉन्ड्स भी टूटे ना, ठीक है, ताकि वो स्टेबल भी रहे और एडजस्ट भी हो जाए। सो दिस इज पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ह्यूमन डीएनए लेंथ 2.2 meters इतनी है, और जबकि अगर हम ये देखें कि जो हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विद इट्स डायमेंशन 10 to the power -6 meter, right? Therefore, DNA gets coiled to adjust in the small nucleus. लाइकवाइज, ध्यान से सुनना है पहले आपने, लाइकवाइज इन प्रोकैरियोट्स आल्सो डीएनए इज कॉइल्ड एज, या हम कहेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये नहीं ना सारी जगह जो है वो डीएनए ही ले ले बाकी किसी के लिए जगह ही ना बचे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए डीएनए जो है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज कॉइल्ड with the help of positively charged proteins. ठीक है, prokaryotes में by polyamine proteins, एज यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट, इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए इज एसोसिएटेड विद दोनों, पॉलीएमीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स करेंगे वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है विथ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो ये बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स है विच आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? हैव टू अमीनो ग्रुप्स, एनएच टू जो ग्रुप्स है वो दो है, एक तो नॉर्मली सीओओ एनएच टू है, एक तो है ही है, और एक एल्काइल चेन के साथ अटैच्ड है सच एज लाइसीन
एंड आरजीन, ठीक है। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला एक स्पेसिफिक सा है, अगेन एच एन एच टू सी ओ एच, अगर हम चार्जेस ना लें, और यहाँ पे आर एन एच अल्काइल चेन है और साथ में क्या है एन एच टू ग्रुप है। सो यूकैरियोट्स में डीएनए इज एसोसिएटेड विद बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इट इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स, वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीएनिल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या है डीएनए है। डीएनए जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, इन प्रोटीन्स के साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स कई तरह के हैं, एच टू ए एच टू बी एच थ्री एच फोर, ठीक है। ये चार ये हैं और चार मॉलिक्यूल्स ऐसे ही इसके पीछे है, तो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स, मैं बड़ा भी दिखाऊंगी, ये मैं जनरल सा बता रही हूँ आपको। और इस पे डीएनए कॉइल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज वन न्यूक्लियोसोम, राइट, एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, एच टू ए टू बी एच थ्री एच फोर, दिस इज लिंकर हिस्टोन, इस तरह से दिस इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो डीएनए है, उसके बाद वो क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम्स बना रहा, देन दिस न्यूक्लियोसोम इट इज फर्दर कॉइल्ड टू फॉर्म सोलिनोइड, ये आप ये देखो ये न्यूक्लियोसोम, इट इज फर्दर कॉइल्ड टू फॉर्म सोलिनोइड, then this solenoid it is further coiled to form chromatin। मैंने आपको जब हमने पहले पहले दिन लेक्चर लिया था तो मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन की दो फॉर्म्स है, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन, मैं अभी बताऊंगी, बट क्रोमेटिन जनरली जो है वो क्रोमेटिन प्रेजेंट है। उसके बाद ड्यूरिंग डिवीजन, जब डिवीजन हो रही है, दिस क्रोमेटिन इट इज फर्दर कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स टू फॉर्म यू नो हाईली कंडेंस्ड मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो जनरल तो हमारे सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, हम कह देते हैं क्रोमोसोम्स, बट क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अगर हम कॉइलिंग की हेल्प से देखें तो ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है, डिवीजन के दौरान देन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम विच हैज टू क्रोमेटिन, ओके। सो दिस इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम विच हैज टू क्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो पहले आप ये लिखो फिर हम आगे चलते हैं। यहां पे एक पॉइंट लिख लेना कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए is arranged in loops held by proteins, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो।
अब आ जाइए बेटा न्यूक्लियोसोम मॉडल, ध्यान से दोबारा से सुनो। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। न्यूक्लियोसोम है क्या? न्यूक्लियोसोम इज एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स ऑन विच डीएनए इज रैप्ड। Wrapped around. One nucleosome has 200 base pairs of DNA and 8 histones. एडजसेंट, ध्यान से सुनो पहले, एडजसेंट न्यूक्लियोटाइड्स सॉरी हिस्टो न्यूक्लियोसोम्स आर जॉइंड बाय लिंकर हिस्टोन H1 and linker DNA. Histone, ये न्यूक्लियोसोम मैंने बताया है, इट हैज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स ये है ऑक्टामर। चार ये है और चार इसके पीछे होंगे, ये कौन सा है H2A, H2B, H3, H4, these are the name of the histone proteins, these are four molecules of histone proteins, चार इसके पीछे होंगे, so octamer on which DNA is wrapped around, इसके अराउंड डीएनए जो है इसके ऊपर गोला बना रहा है, इसके ऊपर यू नो रैप कर रहा है, दिस इज लिंकर हिस्टोन, लिंकर डीएनए विच इज कनेक्टेड विथ another nucleus, is it right? So this is one nucleosome, this is another nucleus, okay? तो जो DNA है उसका diameter कितना होता है 20 angstrom, right? And उसके बाद then this, it has diameter of nucleosome model has a diameter of you know क्योंकि थिक हो गया है, इट इज 10 नैनोमीटर, डीएनए था, इट हैज डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर या विड्थ ऑफ 20 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम हैज विड्थ ऑफ 10 नैनोमीटर, मोटा हो गया ना क्योंकि कोइलिंग हो गई, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है बेटा, न्यूक्लियोसोम्स
आर फर्दर कॉइल्ड टू फॉर्म सोलिनोइड. अगेन ये ऑर्थिक हो गया है एंड सोलिनोइड का जो डायामीटर है दैट इज, एक मिनट, ये था 20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, अब ये हो गया 10 नैनोमीटर, बढ़ गया है ना. टू फॉर्म सोलिनोइड हैविंग डायामीटर या विड्थ हम कह सकते हैं 30 नैनोमीटर. ठीक है, तो ये थिक बन गया, सोलिनोइड है, इट हैज विड्थ ऑफ 30 नैनोमीटर. देन सोलिनोइड के बाद आ जाता है बेटा फर्दर कॉइल्ड क्रोमेटिन. फर्दर कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन विच हैज 300 नैनोमीटर. देन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर विड्थ. दिस इज वन क्रोमेटिड एंड उसके बाद मेटाफेजिक क्रोमोसोम. इसकी विड्थ 1400 नैनोमीटर विड्थ. ठीक है, मेन हमारा क्या है, बाकी तो हमने बता दिया. मेन हमारा क्या है, दैट इज न्यूक्लियोसोम. ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फर्दर अपने अपने पे कॉइलिंग होती जा रही है, किसी और के साथ एसोसिएटेड कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे सेल डिवीजन में क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल. ठीक है, पहले आप ये बनाओ, फिर मैं थोड़ा सा आपको लिखवाती हूँ. न्यूक्लियोसोम तक पता चल गया, यस और नो? यस मैम. ठीक है, और अच्छा एक चीज और मैं पहले बता दूं, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इन ए सेल, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कौन से दो टाइप की है, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरे कौन सी थी बेटा, बोलो? यूक्रोमेटिन. वेरी गुड, इट इज यूक्रोमेटिन विच इज एक्टिव. यूक्रोमेटिन की हेट्रोक्रोमेटिन, अच्छा विच इज मोर कॉइल्ड, हेट्रोक्रोमेटिन मोर कॉइल्ड, यूक्रोमेटिन लेस कॉइल्ड. इट इज इनएक्टिव एंड इट इज, हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मींस, क्योंकि कम कॉइल है, क्यों कम कॉइल है, क्योंकि इसने ट्रांसक्राइब करके mRNA बनाना है या कोई भी RNA बनाना, जबकि ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ये चेंज नहीं है. ठीक है, सो क्रोमेटिन इन ए सेल इज ऑफ टू टाइप्स, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बाय एमिलहिट्स. ठीक है,
then in dividing cells, the non-histone chromosomal proteins, ठीक है, ये mainly acidic है, acidic proteins form scaffold. Scaffold मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, scaffold होता है जाला, है ना, जैसे हम जब लेंटर डालते हैं तो जो हम लोहे का जाला बिछाते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्ड, और उसके ऊपर सीमेंट बजरी रख के हम छत डालते हैं, ठीक है. इसी तरह नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स एक जाली बना देते हैं एंड फॉर्म स्कैफोल्ड ऑन विच क्रोमेटिन गेट्स अरेंज्ड to form highly condensed chromatid or metaphasic chromosome. Chromatid has one chromatin. Whereas metaphasic chromosome has two chromatin fibers. क्योंकि metaphasic chromosome में दो sister chromatids होती है, तो two chromatin fibers. Is it okay? ये समझ में आई packaging? किसी को नहीं पता चला? मयंक आपको पता चला बेटा? चलो जी question लिखो एक बेटा. How many nucleosomes are present in human DNA? मैम बॉक्स वाला मत करना भी. ठीक है बेटा कर्म कर लो. करो जी. तो 200 बेस पेयर्स, वन न्यूक्लियोसोम, सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू 10^9 बेस पेयर्स, वन ओवर 200 तो ये 2 से 3.3 एंड इधर से ये 7 हो गया. सिंपल आंसर है 3.3 इंटू 10^7 न्यूक्लियोसोम. कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्च फॉर द जेनेटिक मटीरियल, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल. डीएनए मिल गया था बट ये नहीं पता कि इज द डीएनए जेनेटिक मटीरियल कि आरएनए जेनेटिक मटीरियल कि प्रोटीन्स. तो अब आ जाइए सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, ऑल्दो
न्यूक्लिन, मैंने ये पहले भी बताया था, न्यूक्लिन वॉज डिस्कवर्ड अप्रोक्सीमेटली नियर टू मेंडल टाइम. बट डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल वॉज डिस्कवर्ड मच लेटर. क्या कंफ्यूजन थी? कंफ्यूजन कि डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स विच इज जेनेटिक मटीरियल. पहले तो हम किसको कहेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या है, पहले तो हम ये देखें. कि प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल की. It controls various activities of the cell. अब हम क्या देखते हैं कि proteins act as enzymes, enzymes control various activities. Enzymes are formed by protein by RNA. You know, RNA has information for enzymes. तो आरएनए में भी द जेनेटिक मटेरियल, बट आरएनए की भी बनाने की प्रोसेस किसके पास है, डीएनए के पास. ठीक है, बट उस टाइम ये चीजें नहीं पता थी. ठीक है, हर चीज का पता था कि ये 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 करता है, बट ऐसा जेनेटिक मटेरियल क्या है ये नहीं पता था. प्रॉपर्टीज पहले हम डिस्कस करें. सेकेंड है, इट शुड हैव द ability to replicate itself. It should be stable at high temperature. Its amount should be same in all the cells of an organism. एक gametes को छोड़ दो, बाकी सभी cells में same number of same amount of genetic material होना चाहिए. Then it should be passed from parents to offsprings. It should have the ability to change, but slowly. ऐसे नहीं कि जरा सा चेंज हुआ और जरा सा एनवायरमेंट चेंज हुआ
तो जेनेटिक मटेरियल एकदम चेंज हो गया। ऐसे नहीं, धीरे धीरे इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, बट इट शुड बी एबल टू यू नो टू चेंज वेरी स्लोली। म्यूटेशन हो इसमें बट म्यूटेट स्लोली, आरएनए की तरह से नहीं कि जिसकी जल्दी से म्यूटेशन, ठीक है। सो ये पॉइंट्स होने चाहिए। इससे हमें अगर ये पॉइंट्स देखें तो हमें क्या लगता है कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, बट किन एक्सपेरिमेंट्स ने उसको प्रूव किया ये अभी हम करते हैं। पहले आप ये नोट डाउन करें। तो अब हम आ जाते हैं बेटा कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो पहला हम आ जाते हैं, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। That DNA is genetic material. इसमें first आ जाता है बेटा transformation experiment। किसने किया था? बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने किस पे काम किया बेटा? इसने काम किया बैक्टीरिया पे। कौन सा बैक्टीरिया लिया? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू मीडियम, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखिए। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू मीडियम। That is called as transformation. He worked on Diplococcus pneumonia. और इसका एक और नाम है, that is pneumococcus. इसके बेटा दो स्ट्रेन्स हैं, टू स्ट्रेन्स, टू वैरायटीज आप कह सकते हो, एस और स्मूथ स्ट्रेन एंड आर या रफ टाइप या रफ स्ट्रेन। ऐसे आपने पूरा लिखना है स्ट्रेन। स्मूथ क्यों है स्मूथ? Has extra mucilage coat, जिसके कारण इसकी स्किन या इसके बाहर का सरफेस पूरा स्मूथ लगता है। यहां पे no mucilage coat। क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा शीथ है, इट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड दस कॉज निमोनिया।
ये नो डिजीज, क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी में घुसता है तो एंटीबायोटिक्स या हमारी एंटीबॉडीज जो है इस पे एक्ट करती है और इसको मार देती है, इसको नहीं मार सकती इतनी जल्दी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी इसको इतनी जल्दी मारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट वन, आर टाइप इंजेक्टेड इन बैक्टीरिया इन माइस, आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो माइस में डाले, नो डिजीज, ऑल सर्वाइव्ड, ऑल माइस आप लिख सकते हो सर्वाइव्ड। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एस टाइप इंजेक्टेड इन माइस, जो माइस थे माइस डाइड ड्यू टू न्यूमोनिया। तीसरा उसने क्या किया, उसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा, उसको बॉइल किया ताकि ये बैक्टीरिया मर जाए, इंजेक्टेड इन माइस, नो डिजीज, ऑल माइस सर्वाइव्ड, ठीक है। अब ये दो, इसने और इसने, इन दोनों ने कोई डिजीज नहीं किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उसने, मिक्सचर ऑफ आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्टेड इन माइस। हम कहते हैं ना ये डिजीज करता है ना ये करता है, तो सभी माइस बचने चाहिए, यही उसकी भी उम्मीद थी। Most mice survived, but few killed due to pneumonia. और उनकी बायोप्सी, जो मर गए उनकी बायोप्सी की टिश्यू स्टडी किए तो उसमें लिविंग एस टाइप नजर आए। उसने ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया, हाई टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा हीट किया ताकि कोई ना बचे, बट सेम रिजल्ट्स आए, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, एक दो पांच, कुछ ना कुछ माइस मर गए निमोनिया के कारण। उनकी बायोप्सी की, उसमें फिर लिविंग आर टाइप सॉरी लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया में, ठीक है, आर टाइप तो मिले बट कुछ एस टाइप भी मिले। अब ये लिविंग एस टाइप कहाँ से आए, ये अभी हम, उसने जो कंक्लूजन दिया वो ये दिया था कि मीडियम में जब एस टाइप बैक्टीरिया जो हमने मार दिए थे हीट में, उनको हीट करके, तो इनका जेनेटिक मटेरियल मीडियम में आ गया, ठीक है, बट जेनेटिक मटेरियल बीइंग हीट रेजिस्टेंट हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो जब आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया तो जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल मीडियम में आ गया था वो कहाँ चला गया, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया,
ठीक है. सो मिक्सचर ऑफ लिविंग, इनका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया अगेन थ्रू मीडियम, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें गया. दिस आर टाइप गेट्स मॉडिफाइड इनटू एस टाइप बैक्टीरिया एंड कॉज डिजीज. हर में नहीं, क्योंकि बाई चांस है कि कुछ बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था मीडियम में आ गया, और बाई चांस ही वो कुछ आर टाइप बैक्टीरिया ने पिक कर. बट ग्रिफिथ को नहीं पता था कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है. उसने बस सिर्फ ये कहा कि जेनेटिक मटेरियल इज दैट विच इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, इट इज दैट विच कैन ट्रांसफॉर्म द अदर सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल. उसने ये कहा. बट उसके बाद आगे साइंटिस्ट ने कहा कि ये डीएनए है. वो कैसे कहा वो हम बाद में बताते हैं, पहले आप यहां तक. So write down, he did biopsy of dead mice. He did biopsy of dead mice in experiment 2 and observed the presence of लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया. डाले तो क्या थे, डाले तो उसने माइस में हीट किल्ड थे, किल्ड एस टाइप थे, बट टिश्यूज में क्या मिला, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया. एंड ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया इन द माइस. नेक्स्ट पॉइंट करके फ्रॉम दिस मैम पॉइंट 1 रिपीट करना. ही डिड बायोप्सी ऑफ द डेड माइस एंड ऑब्जर्व्ड लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया इन द टिश्यूज. पॉइंट 2, फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड. From this, he concluded that heat killed S-type bacteria. Heat killed S-type bacteria, liberated their genetic material. He concluded के बाद बोलना भी है. Heat killed S type bacteria, liberated their genetic material in the medium. Full stop करके genetic material is heat stable. ये सब उसकी conclusions थी. Genetic material is heat stable. Full stop करके. This genetic material is picked up by some of the living R-type bacteria. This genetic material is picked up by some of the living R-type bacteria, due to which these R-type bacteria gets transformed into S-type bacteria
एंड कॉज्ड निमोनिया, एंड कॉज्ड निमोनिया. ठीक है जी. तो उसने दोबारा से, मैं बता रही हूं कि उसने क्या कंक्लूड किया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो मीडियम में आ गया, कुछ आर टाइप बैक्टीरिया ने वो जेनेटिक मटेरियल पिक कर लिया जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए, किसमें बदल गए, एस टाइप बैक्टीरिया. तो वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, क्योंकि वो तो लिविंग थे, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप बैक्टीरिया जो एस टाइप में चेंज हो गए थे, वो जब माइस के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर डिजीज किया जिससे माइस, कुछ माइस मर गए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. ये तो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट आ जाता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल. ये किसने फाइंड आउट किया? ये किया एवरी मैक्लियोर एंड मैकार्थी. उन्होंने क्या किया, दे आइसोलेटेड या प्योरिफाइड आप कह सकते हो, आइसोलेटेड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ एस स्ट्रेन. फिर उन्होंने क्या किया, मिक्स्ड आर स्ट्रेन प्लस आरएनए ऑफ एस स्ट्रेन. Injected in mice, but no disease. इसी तरह R strain proteins of S strain. अगेन माइस नो डिजीज. पहले ये लिखो, एंड देन उन्होंने एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, आर स्ट्रेन प्लस डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन. Injected in mice. और यहां पे mice died due to pneumonia. इसको एक बार further confirm करने के लिए उन्होंने एक और चीज की, R strain plus DNA of S strain plus DNase enzyme. DNase enzyme क्या है, जो DNA को रप्चर कर देता है, तोड़ देता है. Injected in mice, again no disease. क्योंकि क्या हुआ, ये DNase ने इस DNA को तोड़ दिया था, again ये change नहीं हुई.
तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा है कि इट इज द डीएनए ऑफ द एस स्ट्रेन विच ट्रांसफॉर्म्स आर स्ट्रेन. देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन which has transformed R strain into S strain. So this concludes that DNA is the genetic material. ठीक है जी, तो ये conclusion है. अभी तक कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं.